नीमच जिले के मनासा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। चोरी के वाहन सहित दो आरोपी और 8 वाहन जब्त कर आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मनासा नगर से चोरी की गई 4 मोटरसाइकिल सहित कुकरेश्वर रामपुरा क्षेत्र से चोरी की गई वाहन व चोरी में प्रयुक्त वाहन सहित कुल 8 वाहन जब्त किए गए। आरोपी प्रहलाद माली उम्र 30 साल निवासी हाड़ी पीपिया व मनोहर माली उम्र 25 साल निवासी जूना मलहरेड़ा को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों ने बताया कि उनके द्वारा मंडी गेट नीमच नाका मनासा से एक टीवीएस मोटरसाइकिल, उषागंज मनासा से टीवीएस मोटरसाइकिल व तहसील कार्यालय मनासा से डिस्कवर मोटरसाइकिल, टॉल वाला खेत दशहरा मैदान मनासा से स्प्लेंडर चोरी करना तथा एक वाहन चंद्रपुरा रामपुरा से HF डीलक्स, एक वाहन फूलपुरा बालाजी मंदिर कुकरेश्वर से टीवीएस चोरी करना बताया, जो आरोपीगण से उक्त जब्त किए। इस सराहनीय कार्य में थाना प्रभारी मनासा KL डांगी सहित पूरे पुलिस स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। आज हमने दो आरोपी मनोहर माली और प्रहलाद माली से पूछताछ कर उनसे गिरफ्तार करके 8 मोटरसाइकिलें चोरी की बरामद की है। जो चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई है उनमें 4 मोटरसाइकिल थाना मनासा से चोरी हुई है, एक थाना कुकरेश्वर और एक थाना रामपुरा की। दो और मोटरसाइकिलें इनसे बरामद हुई है जिनके बारे में जाँच की जा रही है और वो जहाँ के प्रकरण संबंधित होगी वहाँ पर उनकी इतला कर दी जा रही है। दोनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया है जहाँ से पुलिस रिमांड लिया गया है। दोनों से और पूछताछ की जा रही है, और भी गाड़ियाँ जिससे मिलने की उम्मीद है। कहाँ से गिरफ्तार किया इनको? ये दोनों ही हमारे मनासा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं और दोनों को मुखबिर की सूचना पर कि ये वाहन चोरी कर रहे हैं। विगत दिनों में कुछ गाड़ियाँ हमारे क्षेत्र से चोरी भी हुई थी जिसको लेकर के हमारी चीता पार्टी और पूरी टीम लगी हुई थी। मुखबिर के द्वारा सूचित करने पर इनको उठाया गया, पूछताछ किया गया। प्रारंभिक तौर पर इनके द्वारा इनकार किया गया लेकिन हिकमत अमली से पूछताछ करने पर इनके द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया है और जितनी भी गाड़ियाँ इनने चोरी की सब गाड़ियाँ बरामद कराई है, इनसे और पूछताछ की जा रही है। नीमच जिले के मनासा से शब्बीर भौरा की रिपोर्ट।